हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिंग क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेस्ट हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अब हम पढ़ते हैं उन तीन कैटेगरीज के बारे में, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट एकदम भी डिग्रेड नहीं हुए हैं वो आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है और इनको फर्दर डिप्लीशन से बचाया हुआ है। और थर्ड कैटेगरी है अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी आते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में भी आते हैं, जिसके अंडर आते हैं वेस्टलैंड और कुछ कुछ छोटे छोटे फॉरेस्ट एरियाज। अभी ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं ये काफ़ी वैल्यूएबल कैटेगरीज हैं, इसीलिए इनको परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे होता है रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास फॉरेस्ट में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज इंडिया में फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मध्य प्रदेश में 75% से एरिया फॉरेस्ट से बना हुआ है। मध्य प्रदेश का 75% से ज्यादा एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में बहुत मेजर एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान का काफी मेजर एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में आता है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान का बहुत मेजर एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में आता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस गुजरात का एरिया अनक्लास फॉरेस्ट के अंडर में आता है। हमने देखा इंडिया में फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कंजर्वेशन बाय कम्युनिटीज। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं जहां पर कम्युनिटीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हेल्प कर रही हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहां पर लोकल कम्युनिटीज ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर माइनिंग एक्टिविटीज को रुकवाया जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट थी। नेक्स्ट अलवर डिस्ट्रिक्ट में 1200 हेक्टेयर्स का एक ऐसा एरिया है जिसका नाम है भैरोदेव दाकव सोनचुरी। यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हंटिंग और पोचिंग बंद है। नेक्स्ट है बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवदन्या। यहाँ पर लोगों ने बहुत ही कम बीज में, यानी कि बहुत ही कम सीड्स यूज करके काफी अच्छी क्रॉप्स उगाई हैं। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है जिसमें लोगों ने पेड़ों के साथ चिपक कर या फिर उनको हक करके पेड़ों को कटने से बचाया। और लास्ट है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 1988 में उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था जहां पर लोकल कम्युनिटीज ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर फॉरेस्ट को बचाया, इसीलिए इसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट को बचाने के बदले में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लोकल कम्युनिटीज को पास के फॉरेस्ट से लकड़ियां और बाकी चीजें रिसोर्सेज यूज करने के लिए अलाउ किया है। एज अ रिवॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोकल कम्युनिटीज को पास के फॉरेस्ट से रिसोर्सेज लेने की परमिशन दी है। लास्ट हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं जिसका नाम है सैक्रेड ग्रोथ्स। बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज कुछ पेड़ों की या फिर कुछ पौधों की पूजा करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो उन पौधों को प्रिजर्व करते हैं। इन्हीं प्रिजर्व फॉरेस्ट को या फिर इन्हीं प्रिजर्व जगहों को कहते हैं हम सैक्रेड ग्रोव्स। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। इस वीडियो में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड कंजर्वेशन बाय कम्युनिटीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेज। इस लेक्चर वीडियो के नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। द नोट्स फॉर दिस वीडियो आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज गिव अस योर फीडबैक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो subscribe to our YouTube channel for more updates. The content for this video has been created by Rohit Dalal, myself, and the editing has been done by Editar. To go to our next video, click on the box.